नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच 19 सितंबर से खेले जाएंगे। कई टीमों के खिलाड़ी पहले ही वही पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियों में भी लग गए हैं। भारत के साथ इंग्लैंड के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस सीजन में भाग लेने वाले, लेकिन इंग्लैंड के तीन बड़े खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जॉनी बेस्टो, डेविड मलान और क्रिस फोक्स ने आईपीएल 2021 के दूसरे फेज से अपना नाम वापस ले लिया। ये सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए तगड़ा झटका रहा है। बेस्टो हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज हैं, वहीं मलान की बात करें तो उन्होंने पंजाब की तरफ से आईपीएल में पहले फेज में सिर्फ एक मैच खेला था। वहीं क्रिस फोक्स भी दिल्ली कैपिटल्स के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक थे। लग रहा था इन खिलाड़ियों के ना होने से आईपीएल का मजा फीका पड़ेगा। सनराइजर हैदराबाद को जॉनी बेस्टो की कमी साफ तौर पर खलने वाली है। इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स को अब वोक्स की सेवा नहीं मिल पाएगी। वोक्स ने भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में निचले क्रम में अच्छे हाथ दिखाए थे और समय समय पर टीम को विकेट निकाल कर देना भी क्रिस वोक्स की एक बड़ी ताकत है। वहीं T20I के नंबर एक बल्लेबाज मलान ने भी अपना नाम अब वापस ले लिया है, लेकिन पंजाब ने मलान का रिप्लेसमेंट खोज लिया है। पंजाब 11 ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम को डेविड मलान की जगह टीम में लेने का ऐलान कर दिया। पंजाब किंग्स ने जारी बयान में कहा, डेविड मलान ने T20 विश्व कप से पहले कुछ दिन परिवार के साथ गुजारने का फैसला किया है, इसलिए उनकी जगह हमने एडन मार्करम को जोड़ा है। हालांकि अभी तक जॉनी बेस्टो या क्रिस वोक्स का रिप्लेसमेंट दोनों ही टीमें नहीं खोज पाई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे हाफ में कई खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से टीमों को बीच में ही बदलाव करने पड़े थे। पिछले महीने पंजाब ने तेज गेंदबाज नेथन एलिस को अपने साथ जोड़ा था। उन्होंने झाई रिचर्डसन की जगह लेग स्पिनर आदिल राशिद को भी चुना था। वहीं केकेआर ने पैट कमिंस की जगह टीम सऊदी को शामिल किया है, तो राजस्थान रॉयल्स ने ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा की जगह श्रीलंका के वानिंदु हसरंदा को टीम में शामिल किया है। और इन खिलाड़ियों के आने से टूर्नामेंट का रंग और बेहतर ही होगा, कहीं से भी फीका पड़ने वाला नहीं है। तो फिर तैयार हो जाइए 19 सितंबर से धमाकेदार आईपीएल मुकाबलों के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।